अस्सलाम वालेकुम और जनाब, क्या हाल चाल है? होप सो यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली दीज डेज। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द सफ़ीर बट। और जनाब, आज मैं गया था इम्तियाज़ सुपरमार्केट में कुछ शॉपिंग करने। वैसे मोस्टली जाता रहता हूँ और जब भी मैं जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर जाके व्लॉग करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं यार उसे, अभी मुझे उसका नाम नहीं बिल्कुल भी आ रहा ना, जिसमें आप सामान डालते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है आपको बिल्कुल वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है। खैर, ट्रॉली, हाँ ट्रॉली को एक हाथ से वो आपने वो करना होता है ट्रॉली में जब सामान रख रहे होते हैं एक हाथ से और एक हाथ से ट्रॉली जो आप चला रहे होते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है व्लॉग करना। बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी तो मैंने सोचा चलें आज मैं आपको दिखा दूँ और इससे मैं आपसे इन टच भी हो जाऊँगा। और आप भी मुझे बताइएगा आपको आज का मेरा ये लिटल शॉपिंग हॉल कैसा लगा। तो चले, अच्छा मास्क मैं सबसे पहले उतार लूँ क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल नहीं आता, मैंने मास्क भी उतारना है। और वहाँ पे जाके मेरा मास्क जो है ना वो टूट गया और मुझे अंकल ने बोला कि आप मास्क जो है ना वो ऊपर करें। मेरा मास्क टूट चुका था तो वो मास्क मैं कैसे ऊपर करता। तो फार्मेसी से मुझे हाबिल का दूध भी लेना था, तो फिर जो है ना मैंने वहाँ से पूछा कि मास्क है, एंड आई गॉट दिस मास्क। दिस मास्क इज़ वेरी यू नो गुड मास्क जस्ट फॉर रुपीज़ 12, 12 रुपये में आपको बहुत अच्छा मास्क जो है मिल गया। इसके अंदर वायर भी है जो आपके नाक के साथ आप इस तरह एडजस्ट भी कर सकते हैं। एनी वे से नाक, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वहाँ से क्या लिया है जी। तो जनाब ये सारा सामान है जो कि मेरे बराबर आ चुका है। सबसे पहले हम इसे नीचे रखते हैं और ये हैं कैन बेबी के पैम्पर्स जो मैंने किसके लिए हैं, ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये है 3 से 6 किलो के बच्चे के लिए और ये मैंने लिए हैं हाबिल के लिए, कैन बेबी के पैम्पर्स। ठीक है, ये साइज 2 है। दिस इज अगेन पैम्पर्स कैन बेबी के, ये है साइज 3, ये भी मैंने हाबिल के लिए लिए हैं क्योंकि हाबिल को साइज 2 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग होता है, ये यूज़ करता है 4 से 9 किलो का बच्चा। और हाबिल माशाल्लाह इज़ क्वाइट हेल्दी, सो डैट्स वाई आई टुक साइज 3 एज वेल। और वैसे अहमद जब छोटा था तो अहमद को 1 महीने में जंबो साइज 2 पैकेट्स जो है वो पैम्पर के लगते थे, और अभी हाबिल का भी यही सिचुएशन है। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे जो हैं वो कौन से पैम्पर कौन से डायपर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और मैं वैसे कैन बेबी के यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्ट मैंने पैम्पर्स भी ट्राई किए, मॉलफिक्स भी ट्राई किए, बट कैन बेबी इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। और ये हैं अहमद के 4 प्लस, और अहमद की पैम्पर जो हैं वो बेसिकली हाँ पहले मैं 4 लेता था लेकिन अभी मैं साइज 4 प्लस ले रहा हूँ, और अहमद को अभी अल्हम्दुलिल्लाह महीने में एक ही पैकेट जो है वो काफ़ी होता है। ये 3 पैकेट पैम्पर क्योंकि 2 हाबिल के 1 अहमद का। उसके बाद मैंने क्या लिया, ये मैंने फार्मेसी से, अब इसको खोलना मुश्किल होगा आपके सामने तो मैं इसे थाड़ हूँ जाहिलों की तरह मैंने कहा यार मैं क्या कैंची ढूंढूं और फिर इसे खोलूँ, इसको इसी तरह खोल लेते हैं। ओहो यस जनाब, ये है मैजी FMT 1, ये है हाबिल का दूध। लेकिन स्क्रीन जो है वो ब्लर हो गई है, लेट मी जस्ट चेक, हाँ अभी सही है। अरे गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये है जनाब हाबिल का दूध, इसको यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद ये मैंने ली थी चेरीज, ओह चेरीज बाहर गिर रही हैं, ये चेरीज हैं, आई थिंक आपके मुंह में पानी आ रहा है, आई नो वेरी वेल। तो चेरीज जनाब हम बाद में कलेक्ट करेंगे यहाँ से, चेरीज को हम इनके ऊपर रखते हैं, इनका पहाड़ बनाते हैं। ठीक है चलिए ठहरे, क्योंकि फिर थंबनेल के लिए भी ना ज़्यादा ईजी हो जाएगा ना मेरे लिए वो निकालना। चलें, उसके बाद मैंने वहाँ से क्या लिया था, ये ऐसे ही गुजरते गुजरते मैंने वहाँ से एक ग्रीन टी ले ली। मैं लेमन ढूंढ रहा था लेकिन लेमन मुझे नज़र नहीं आ रही थी, सो ये आई थिंक जो है ना ये मिक्स फ्लेवर्स हैं, इसमें सारे फ्लेवर्स हैं, सो ये ग्रीन टी मैंने लिया टपाल की। उसके बाद आई हैव गॉट लेट मी जस्ट चेक व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम फूड सेक्शन। इस पर खोलना भी जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। दीज आर लीचीज, होप्सो की ये लीचीज भी जो है ना ये भी आपको पसंद होंगी, मुझे बहुत पसंद है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स। तो ये लीचीज भी हमने कॉफ़ी में डालते हैं।
ओ, ये हमने पहाड़ क्रिएट कर लिया है। सो जनाब, ये तो था मेरा आज का शॉपिंग हॉल इम्तियाज़ सुपर स्टोर का। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का मेरा शॉपिंग हॉल कैसा लगा। चिंता जी जनाब, तो यहाँ मेरी वाइफ जो है वो फिश बना रही है। लेट मी जस्ट शो यू, ये आप क्या बना रही हैं बताएं बताएं भी क्या बना रही हैं आप बता दें। ये जनाब वो क्या बोलते हैं इसे, स्पाइडर रैकेट जो है ना वो चली गई हैं, और आज ये फ़िश फ्राई कर रही हैं। और जब फ़िश फ्राई हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज फ़िश जो है वो कैसे बनी है। आई विल ट्राई कि वो मेरे ब्लॉग का हिस्सा बने, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट रेडी टू कम ओवर हेयर। ये आप क्या निकाल रही हैं, वैसे ये बहुत ही चूस वाला क्वेश्चन है, ये आप क्या निकाल रही हैं, सबको नज़र आ रहा है फ़िश फ्राई है जो आप निकाल रही हैं। ज़रा यहाँ पे करें ना, नज़र तो आए ना भाई। लुक्स यमी है ना, आप भी कुछ बोलें। आज उन्होंने ना मौन व्रत रखा हुआ है, जो इंडिया में हिंदू कम्युनिटी होती है ना वो मौन व्रत रखती है, जिसमें उन्होंने ना चुप साधी होती है और वो बोलते बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट आप इसमें बैच डालेंगी है। फाइनली 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 आई एम एबल टू लेट हर स्पीक। वाओ, चलो जनाब अभी फिश फ्राई होते हुए भी आपने देख ली है, और मैं भी कह रहा हूँ काम काम करने के बाद मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो भी होगा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जी जनाब, तो मैं अभी क्या करने आया हूँ, नीचे एसी बंद करने आया हूँ, क्योंकि अहमद जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे सो रहा है, और उसकी मामा ने बोला है कि आप एसी बंद कर दें, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है और अहमद को हल्का सा फ्लू भी है। लेट मी जस्ट फाइंड द रिमोट, वेयर मेरे पापा ने कहाँ पे रखा है रिमोट। चलें, अभी आपको नज़र आ रहा है, नहीं है कहाँ पे, हाँ अभी ऑफ़ करते हैं इसे। जी, तो अभी मैंने लाइट भी नहीं ऑन की हुई, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस जो है वो वीडियो में नज़र आ रही है। अभी मैं कैमरा टर्न करता हूँ और आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अहमद जो है वो कितने मज़े से सो रहा है। लेट मी जस्ट ऑन द फैन सो दैट कि अहमद को गर्मी ना लगे, क्योंकि अहमद को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सो जनाब, अहमद जो है वो सो रहा है। अहमद को सुलाना जो है ना वो ज़िंदगी का सबसे ओखा काम है, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा है। ज़रा क्लोज से दिखाता हूँ, अहमद सो रहा है जनाब, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा तो जनाब, पानी मैंने कप में बॉयल कर लिया है, और टपाल की ग्रीन टी जो आज मैं लेके आया हूँ सिलेक्शन पैक, इफ़ यू कैन सी क्लियरली, यस यू कैन सी क्लियरली। वैसे मैं नॉर्मली जो है वो पीता हूँ लेमन फ्लेवर में, ताकि मेरे कैलोरीज जो हैं वो बर्न हों, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉट दिस बॉक्स। सो इसमें जो हैं वो कितने फ्लेवर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो अभी देखते हैं कि हम कौन सा फ्लेवर जो है वो पीने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऐसे करते हैं ना ऐसे, और ये सबसे पहले कौन सा फ्लेवर है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी ब्लिस्सा जी है, उसके बाद अगेन हमारे पास है प्योर ग्रीन, उसके बाद एक फ्लेवर है ट्रॉपिकल पीच, उसके बाद हमारे पास है इलायची, उसके बाद है मोरक्कन मिंट। ये है जनाब लेमन जो मुझे उस टाइम चाहिए था, और ये है जैस्मिन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेस्ट एप्पल सिनेमन, नहीं यहाँ पर हम पीते हैं मोरक्कन मिंट। चलें आज ये ट्राई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। वैसे ही अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सिलेक्शन पैक जो है, इसमें आपके सारे जो हैं वो फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं।
इसमें टोटल जो है वो 32 साशेज हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, लेकिन मैं ये अभी बना रहा हूँ कि मैं आज ये लेके आया था, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइज एज वेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसमें फ्लेवर्स हैं, एंड अगर हम 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें 32 आएगा। 8 ones are 8, 8 twos are 16, 16, 24 and maybe 6 6 6 6 are 36, नहीं ये फिर ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए हम काउंट कर लेते हैं, इतना मैथ मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है। 1, 2, 3, 4, 8, 4 are 32 होता है भाई, 16, 16, 32 होता है, क्या हो गया। एनी वेज जनाब, चलें अभी हम अपनी चाय जो है वो रेडी करते हैं और फिर हम इसको इंजॉय करेंगे, एस को नहीं इसको इंजॉय करेंगे। मीरा पता नहीं कहाँ से मेरे में आ गई आज। चलें जनाब, चाय मेरी रेडी हो चुकी है, और ये कप जो आप देख रहे हैं ये कप मेरी अम्मी की शादी का है, देख लें स्टोन का है। चलें फिलहाल अभी मैं इंजॉय करने लगा हूँ, फिर मिलते हैं एक नए क्लिप में।